हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज बनाते हैं महाराष्ट्र के एक फेमस स्नैक रेसिपी कोथिंबीर वड़ी। इस स्नैक को बनाने के लिए ढेर सारा कोथिंबीर यानी धनिया चाहिए। तो सबसे पहले बहुत सारा धनिया पानी में अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें से गंदगी और मिट्टी निकल जाए। उसके बाद एक छन्नी में पानी निकलने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद एक सूती कपड़े के ऊपर उसको फैला के हल्का सा पैट करते हुए उसको ड्राई करेंगे। धनिये को काटने से पहले उसमें से बड़े बड़े डंठल और पीले पत्ते को अलग कर देंगे। उसके बाद धनिये को एकदम बारीक चॉप करना है। तो चलिए कोथिंबीर वड़ी का बैटर रेडी करते हैं। मसाले के लिए 2 से 3 हरी मिर्च लिया है और 8 से 10 कलियां लहसुन और 1 टीस्पून जीरा। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। इन सब को मिक्सर में दरदरा पीस लेना है। और उसके बाद एक मिक्सिंग बाउल में बारीक कटा हुआ धनिया लेना है। जितना धनिया रहेगा लगभग उतना ही बेसन का पेट लगेगा। अभी पिसा हुआ हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और उसके बाद करीब 2 चम्मच सफेद तिल डालेंगे। एक चौथाई चम्मच हल्दी, करीब 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आपके हिसाब से डाल दीजिए क्योंकि हरी मिर्च भी डाला रहता है। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक। अभी धनिये के हिसाब से बेसन को ऐड करना है। एकदम से बेसन को ऐड ना मत कीजिए, जितना लगेगा उतना देख के बाद में डालेंगे। पानी न डालते हुए बेसन और धनिये को मिक्स करना है। और जिस जार में हमने मसाला पीसा था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के वो पानी इसमें मिलाएंगे। एकदम हल्के हाथ से बैटर मिक्स करना है। मुझे इसमें ज़रा बेसन कम लग रहा है इसलिए और थोड़ा बेसन ऐड करती हूँ। अगर धनिया 2 बाउल है तो लगभग 2 बाउल ही बेसन लगेगा। हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स करना है। बैटर को ज़्यादा सख्त नहीं या ज़्यादा लूज नहीं ऐसे तैयार करना। ये देखिए मिक्सचर रेडी है। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लेके इसके ऊपर अच्छे से फैलाएंगे ताकि ये हाथों को चिपके ना। दोनों हाथों पे तेल लगा के इस बैटर का 2 से 3 सिलेंडर के शेप में बनाएंगे। नहीं तो आप केक के टिन या उसमें भी पूरा ऐसा फैला के स्टीम कर सकते हैं। मैं ऐसे 2 से 3 सिलेंडर बना के स्टीमर में रख के इसको स्टीम करके लेती हूँ।
आपको कितना ज़्यादा चाहिए उस हिसाब से इन सिलेंडर को बना लीजिए। अगर बैटर हाथ को चिपक रहा है तो और थोड़ा तेल अप्लाई कर सकते हैं। इस सिलेंडर बनाते वक्त ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्के हाथों से उसको शेप देना है सिर्फ। ये देखिए, जैसे कि मैंने बोला था, तीन सिलेंडर इसमें से हो गए। अब इनको स्टीमर के अंदर स्टीम करके लेना है। इस छलनी को मैं तेल से ग्रीस करके लेती हूँ ताकि ये स्टीम करे तो चिपके ना। कोथिंबीर वड़ी को स्टीम करने से पहले पानी को अच्छे से उबाल दीजिए, नहीं तो ये कोथिंबीर वड़ी हार्ड बनेंगे। तो स्टीम करने के लिए रखते वक्त ध्यान दीजिए कि पानी एकदम बॉईल होता रहे। तो चलिए इसको स्टीम करते हैं। ये देखे, पानी एकदम उबल रहा है। अब छलनी को उसके ऊपर रख के इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे। दस से 12 मिनट हो चुके हैं। अभी इसके अंदर सूरी डाल के हम देखेंगे, ये आसानी से निकल गया तो पक चुके हैं, नहीं तो और थोड़ी देर के। ये देखिए, मेरा अभी भी थोड़ा पकना बाकी है, चिपक रहा है उसमें। तो और एक 5 मिनट के लिए रख देती हूँ मैं। ये देखिए कितना अच्छे से पक चुके हैं, ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो अब इसको गैस के ऊपर से उतार के ठंडा होने के लिए रख देना है। अब इनको इसे सर्कुलर शेप में काट के लेंगे, करीब आधा सेंटीमीटर के हिसाब से काट के लेंगे। ये देखिए अंदर तक कितने अच्छे से पक चुके हैं। इसी तरह से मैं सारे पीसेस को काट के लेती हूँ। इनको सर्व करने का दो तरीके हैं, आपको इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आज डीप फ्राई करने वाली हूँ, लेकिन ये बहुत सारे हो चुके हैं, इसलिए मैं क्या करूँगी, इनको एक एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि और 2 दिन तक हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको गरम सर्व करना है उस वक्त इनको तल के ले सकते हैं आप। फ्रीज़र में रखेंगे तो करीब 1 हफ्ते तक भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अब इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ मैं।
चलिए अभी इनको तल के लेते हैं। तलने के लिए तेल एकदम गर्म रहना चाहिए और गैस की आंच को पूरा हाई पे रख दीजिए। और कोथिंबीर वड़ी डालने के बाद बिल्कुल भी उनको चलाइए मत, एक मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, नहीं तो वो टूट सकते हैं। एक मिनट के बाद गैस की आंच को मीडियम पे रख के हल्के हाथों से इनको तल के लेना है। ज़्यादा तलने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी वो स्टीम किए हुए रहते हैं, सिर्फ बाहर से क्रिस्प हो जाए इतना उनको तल के लेना है। ये देख कितने अच्छे से कलर आ रहा है। ये देखिए बाहर से कितना क्रिस्प बने हैं, आवाज़ आप सुन सकते हैं, बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट। तो दोस्तों ये रेसिपी कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू।